तो भाई पिछले कई घंटों से मैं ये अवसर ऐप को ओपन करके देख लिया हूँ, लेकिन भाई इसमें अपडेट आ ही नहीं रहा है। तो जो गलती मैंने किया आप वो गलती मत करना, नहीं तो आप भी जब अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने लगेंगे तो भाई मेरे जैसा ही प्रॉब्लम आपको भी फेस करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास सऊदीया में ड्राइविंग लाइसेंस है और आप उसको रिन्यू करना चाहते हैं तो ये आप कैसे करेंगे? तो भाई इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी हॉस्पिटल में जा करके ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का मेडिकल करवा लेना है। फिर उसके बाद आपके पास सऊदीया में जिस भी बैंक में अकाउंट है उसको आपको ओपन करना है। जैसे मैं देखिए ये काम अलराजी से करूँगा, आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसको आपको ओपन करना है और हर बैंक का तरीका सेम है। जैसे मैं यहाँ से करूँगा सेम सब कुछ आपको अपने वो बैंक में मिल जाएगा जिस बैंक से आप ये काम करेंगे। तो फिर यहाँ पेमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा गवर्नमेंट पेमेंट, तो बस इसके ही ऊपर आपको कर देना होगा क्लिक। अब देखिए यहाँ पर जो है ड्राइविंग लाइसेंस आपको देख लेना है, जहाँ पर रहेगा ड्राइविंग लाइसेंस इसके ही ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब भाई देखिए यहाँ पर रिन्यू लाइसेंस के ऊपर कर देना होगा क्लिक। अब देखिए यहाँ पर आपको अपना इकामा नंबर डाल देना है, और भाई इकामा नंबर आपको सही से डालना है, देख के डालना है। इकामा नंबर डालने के बाद यहाँ नीचे लाइसेंस टाइप के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपके पास किस टाइप का लाइसेंस है उसको आपको यहाँ से चूज कर लेना है। जैसे मैं अपने दोस्त का लाइसेंस रिन्यू कर रहा हूँ और उनके पास प्राइवेट लाइसेंस है, साई खास का उनके पास लाइसेंस है, तो मैं यहाँ प्राइवेट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब देखिए नीचे है ड्यूरेशन, तो बस इसके ही ऊपर आपको क्लिक कर देना है और आपको अपने लाइसेंस को कितने साल के लिए रिन्यू करना है उसको आपको यहाँ से चूज कर लेना है। जैसे मुझे 5 साल के लिए रिन्यू करना है तो मैं यहाँ 5 है इसके ऊपर मैं क्लिक कर दिया। अब देखिए फिर उसके बाद नीचे आपको कर देना होगा यहाँ कन्फर्म। अब देखिए आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए जितना कि आपको रिन्यू करना है। जैसे 5 साल के लिए कर रहे हैं तो 200 रियाल होना चाहिए, 10 साल के लिए कर रहे हैं तो 400 रियाल होना चाहिए, और अगर 2 साल के लिए कर रहे हैं तो 80 रियाल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बैलेंस देखने को मिल जाएगा, तो बस इसके ही ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको अपना इकामा नंबर देख लेना है क्योंकि भाई इकामा नंबर मेन है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको कर देना होगा कन्फर्म। अब आपके बैंक के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उसी नंबर पर ओटीपी आएगा, तो बस वही ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है। तो भाई जब आप ओटीपी डाल देंगे तो देखिए फिर आपका जो है ये पेमेंट जो है बिल्कुल सक्सेसफुल पेड हो जाएगा। यहाँ व्यू मोर के ऊपर आपको क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर आपको सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा। अब लगे तो आप इसका जो है यहाँ शेयर के ऊपर क्लिक करके आप इसको किसी के पास शेयर कर दें। फिर अब यहाँ गो टू डैशबोर्ड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो भाई यहाँ से आपका काम ख़त्म हो चुका है, अब आपको अवसर ऐप को ओपन करना है। तो ये है अवसर, मैं इसको ओपन किया और यहाँ लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपना इकामा नंबर और अवसर का पासवर्ड डाल करके इसको यहाँ कर देना है लॉगिन। तो फिर आपके अवसर के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उसी नंबर पर ओटीपी आएगा, तो बस वही ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है। तो फिर जब आप ओटीपी डाल देंगे तो फिर आपका अवसर ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रहेगा रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस, तो भाई बस इसके ही ऊपर आपको कर देना होगा क्लिक। और यहाँ प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप कितने साल के लिए रिन्यू कर रहे हैं, जैसे मैं 5 साल के लिए रिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो है 5 साल वाला ही जो है फीस जमा किया है, तो मैं यहाँ 5 ईयर्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप कितने साल के लिए रिन्यू कर रहे हैं, जितने साल के लिए आप फीस जमा किए होंगे उसको आपको चूज करना है। फिर अब देखिए यहाँ पर रहेगा एड डिलीवरी डिटेल्स, तो बस इसके ही ऊपर आपको कर देना होगा क्लिक। तो भाई फिर हमारे सामने ये वाला स्टेप आ जाएगा, जैसे कि देखिए हमारे लाइसेंस के ऊपर कोई भी ट्रैफिक वायलेशन नहीं है, ये यहाँ पर देखिए सही के निशान बना हुआ है, और मैं जो है अपना लाइसेंस रिन्यू करने के लिए फीस भी जमा कर दिया हूँ, ये भी देखिए यहाँ पर ग्रीन टिक लगा हुआ है। और भाई आप जो है लाइसेंस अपना 365 दिन से जब कम होगा तब जो है आप अपने लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा लाइसेंस 2 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा,
और 1 साल के अगर ऊपर आप अभी आपका लाइसेंस में डेट है फिर आप रिन्यू नहीं करा सकते हैं। और ये देखिए मेडिकल वाला जैसे ये एक्स बना हुआ है, क्योंकि अभी हमारे दोस्त ने जो है मेडिकल नहीं करवाए हैं या फिर लगता है करवा भी लिए होंगे तो अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। जब यहाँ पर अपडेट हो जाएगा तो जैसे ये दोनों जगहों पर इस तरीके से सही का निशान यानी ग्रीन टिक बना हुआ है तो यहाँ मेडिकल वाले के भी ऊपर ग्रीन टिक बन जाएगा। तो चलिए मैं अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ, बोलता हूँ कि वो मेडिकल करवा लें, फिर उसके बाद जब यहाँ ग्रीन टिक हो जाएगा फिर मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस आपको दिखाता और बताता हूँ। तो भाई पिछले कई घंटों से मैं ये अवसर ऐप को ओपन करके देख लिया हूँ लेकिन भाई इसमें अपडेट आ ही नहीं रहा है, तो जो गलती मैंने किया आप वो गलती मत करना, नहीं तो आप भी जब अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने लगेंगे तो भाई मेरे जैसा ही प्रॉब्लम आपको भी फेस करना होगा। तो मैं यूजर नेम पासवर्ड डाल करके किया लॉगिन, अब हमारे अफसर के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उसी नंबर पर ओटीपी आएगा, बस वही ओटीपी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ये देखिए भाई मैं ओटीपी डाल दिया और अभी हमारा अफसर ऐप ओपन भी हो गया। अब मैं यहाँ रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी देखिए हमको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर लेकर के जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ तो एरर बता दिया, अब हो सकता है ये एरर इसलिए बताया क्योंकि भाई मैंने जो है ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने का प्रोसेस गलत किया। अब जैसे मैं आप लोगों को शायद पहले बताया कि भाई मुझे एक बंदे ने बोला कि जब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने लग जाओ तो रिन्यू करने के लिए मेडिकल ज़रूरी नहीं है, और मैं उसको बोला कि भाई मेडिकल ज़रूरी है लेकिन उसने बोला नहीं ज़रूरी है। फिर मैंने उसको दिखाने के लिए जिसका मैं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर रहा हूँ मेरे दोस्त का है, मैं उनको बोला कि भाई अभी आप मेडिकल मत कराओ, जब मैं बोलूँगा फिर मेडिकल कराना। तो सबसे पहले तो मैं जितने साल के लिए हमको रिन्यू करना है मैं रिन्यू का फीस जमा किया, और जब मैं अवसर में आया तो वहाँ पर बोला कि आप अपना मेडिकल कराओ, फिर मैं उनको बोला मेडिकल कराने के लिए। तो भाई जब वो मेडिकल कराए तो तकरीबन मेडिकल जो है ऑनलाइन होने में उनके मोबाइल पर मैसेज आने में 5-6 घंटा का टाइम लग गया। तो अभी मैं ओपन कर रहा हूँ तो इसीलिए देखिए एरर बता दिया। यानी अगर आपके साथ भी कुछ इस तरीके से होता है तो भाई फिर आप लोगों को मरूर में जाना है, अपना इकामा देना है, तो वो लोग आपको लाइसेंस प्रिंट करके दे देंगे। और हालांकि आप लोगों को ये गलती नहीं करना, कौन सी गलती नहीं करना है, जैसे मैं आप लोगों को वीडियो के शुरू में ही बता दिया कि अगर आप लोगों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करना है तो सबसे पहले आप लोगों को मेडिकल कराना है, जो आप मेडिकल कराते टाइम नंबर देंगे उसी नंबर पर मैसेज आ जाएगा, जब आपका मेडिकल ऑनलाइन हो जाएगा मैसेज आ जाएगा, फिर आपको रिन्यू का फीस जमा करना है, फिर उसके बाद आपको अवसर ऐप को ओपन करके यहाँ से प्रोसेस करना है रिन्यू का। और अगर आपके साथ इस तरीके से होता है तो फिर भी आपको बैक आना है और यहाँ अलर्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको लोड इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे अभी देखिए मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर रहेगा रिन्यू, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है तो आपको यहाँ माय सर्विस के ऊपर क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आ जाना है, यहाँ पर रहेगा डॉक्यूमेंट डिलीवरी, तो बस इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर रहेगा रिक्वेस्ट न्यू डिलीवरी, तो बस इसके ही ऊपर आपको कर देना होगा क्लिक। तो यहाँ पर रहेगा डॉक्यूमेंट इश्यू, तो बस इसके ऊपर आपको क्लिक करके नीचे कर देना होगा यहाँ नेक्स्ट। तो अब देखिए जैसे मैं अपने दोस्त का ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू किया, वो देखिए यहाँ पर आ चुका है, तो बस इसके ऊपर आपको यहाँ क्लिक करके नीचे कर देना होगा नेक्स्ट। तो यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर डाल दें और ये देखिए जो आपका नेशनल एड्रेस होगा वो एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप लोग जो है यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल करके यहाँ जो है रिव्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके आप लोग अपने ये एड्रेस पर अपने लाइसेंस को मंगवा सकते हैं, आपका लाइसेंस आपके एड्रेस पर आ जाएगा। मैं होम डिलीवरी नहीं मंगाऊंगा क्योंकि हो सकता है कि होम डिलीवरी आने में थोड़ा टाइम लग जाए, मेरे दोस्त का ड्राइविंग लाइसेंस 2 दिन के बाद एक्सपायर है, तो इसलिए मैं उनको बोलूंगा कि वो किसी भी मरूर में जा करके अपना इकामा दे करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लें। तो भाई इस तरीके से आप अभी अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कर सकते हैं।